अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपको बार बार मैसेज कर रहा है और आप उससे बात नहीं करना चाहते, तो जनाब सीधा सीधा तरीका है, आप उसको ब्लॉक कर दें। तो ब्लॉक किया कैसे जाता है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं तरीका। सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहां पे आपके सामने आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। आपने आ जाना है अपने चैट के अंदर, यहां पे आपने क्लिक करना है और चैट आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप इस शख्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहां पे आपने उसकी चैट ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने उसके नेम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप नेम पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो उसकी आईडी आपके सामने आ जाएगी। अब आपने यहां पे ऑप्शंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑप्शंस के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि यार आप उसको यानी चाहते हैं कि वो आपकी आईडी में भी रहे, ठीक है, आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं वो देखता रहे, लेकिन उसको ये शो ना हो कि यार आप कब ऑनलाइन हो रहे हैं, कब ऑफलाइन हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यार उसके मैसेज भी आपको सामने शो ना हो, रिक्वेस्ट वाले बॉक्स के अंदर इसकी जो ये जो आईडी है वो चली जाए, तो आप क्या करें, रिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक कर दें तो वो उसको आपका कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा से मुराद कि आपका ऑनलाइन स्टेटस ऑफलाइन स्टेटस शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा कुछ भी उसे नज़र ना आए, ना फोटोज़ ना वीडियोज़ ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कुछ भी, यानी पक्का पक्का उसे कनेक्शन ख़त्म करना है, तो भाई सीधा ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसको ब्लॉक कर दें। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं हूँ मोहम्मद वलीद, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।